अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज्योग्राफी ए टू जेड। आज हम स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेगमाइट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेगमाइट्स एक्चुअली अंडरग्राउंड केव्स में जो लाइमस्टोन है उससे जब वाटर एवोपोरेट होता है तो ये बनते हैं। लाइमस्टोन में वाटर कैसे आया, कैसे ये एवोपोरेट हुआ और कैसे ये स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेगमाइट्स बने, इनको तो हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन जो व्यूअर्स यहाँ पे नए आए हैं वो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी जरूर दबाएं ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचे। यहाँ पे हमने डिस्कशन की लाइमस्टोन की। इट मींस कि जो स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेगमाइट्स हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, क्योंकि लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स या जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे अब होमवर्क किया हुआ है, मीन्स मेरी सेडिमेंट्री रॉक्स वाली वीडियो देखी हुई है, तो उनको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सेडिमेंट्री रॉक्स को बेसिकली हम टू में डिवाइड करते हैं, इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स और ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स। इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स को आगे हम सब डिवाइड करते हैं इनटू केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स और मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। ये जो स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेगमाइट्स हैं ये एक्चुअली केमिकली फॉर्म्ड इनऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स हैं और ये उन एरियाज में बनते हैं जहां पे लाइमस्टोन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो और उन एरियाज को कार्स्ट टोपोग्राफी या लाइमस्टोन टोपोग्राफी कहते हैं। लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है और अगर आपको याद हो सेडिमेंट्री रॉक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये पोरस होते हैं और सॉफ्ट होते हैं एज कम्पेयर टू द इग्नियस रॉक और इनमें वाटर इजिली परकुलेट करता है और कार्स डिवेलपमेंट उन्हीं एरियाज में होती है जहाँ पे डेंस लाइमस्टोन हो। लाइमस्टोन ज्यादा होगा तो वहाँ पे क्रैक्स होंगी, मीन्स वेल जॉइंटेड एरिया होगा ये, और साथ साथ वहाँ पे हैवी रेनफॉल भी होनी चाहिए क्योंकि लाइमस्टोन जो है वो एसिडिक वाटर के साथ इजिली डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो कंटिन्यूस रेनफॉल की वजह से लाइमस्टोन इसमें बह जाता है, मींस रेन वाटर जो है वो अपने साथ लाइमस्टोन को बहा के लेके जाता है। ठीक है, मींस इनसाइड वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी, और इस कंटिन्यूस रिमूवल की वजह से इन जॉइंट्स में वर्टिकल फिशर्स या होल्स बन जाते हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम वाइड और डीप होते जाते हैं, जो अल्टीमेटली एक केव सिस्टम बनाते हैं जिसको हम अंडरग्राउंड केव सिस्टम कहते हैं। और इन्हीं केव्स के अंदर स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेगमाइट्स ग्रो करते हैं। स्टेलेक्टाइट्स इन अंडरग्राउंड केव्स के सीलिंग से हैंगिंग फॉर्म में होते हैं और स्टेलेगमाइट्स इसी केव के फ्लोर से राइजिंग फॉर्म में होते हैं। अब ये कैसे बनते हैं, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि इन केव्स में अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स होती हैं और क्योंकि ये लाइमस्टोन टोपोग्राफी है तो ये लाइमस्टोन इस वाटर में मिक्स होता है, तो जब ये वाटर एवोपोरेट होता है और इस अंडरग्राउंड केव के सीलिंग मींस छत तक जाता है तो वहां पे ये स्टिक हो जाता है और इसमें जो वाटर होता है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ बहता है और रास्ते में ही सॉलिडिफाई हो जाता है, तो ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको स्टेलेक्टाइट कहते हैं। और अगर ये वाटर केव के फ्लोर तक पहुंचता है और वहां पे लाइमस्टोन के साथ सॉलिडिफाई होता है तो उसको हम स्टेलेगमाइट कहते हैं। और इन स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट का जो डायमीटर है और शेप है वो भी अमाउंट ऑफ वाटर के ऊपर ही डिपेंड करता है। लाइमस्टोन में अगर वाटर की क्वांटिटी कम है तो ये सीलिंग से स्लोली फ्लो करेगा और सीलिंग के करीब ही ये डिपॉजिट हो जाएगा, तो इसका जो शेप होगा वो थिक होगा, मींस थिक स्टेलेक्टाइट बनेगा। और अगर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है तो थिन और लॉन्ग स्टेलेक्टाइट बनेगा और इसी तरह स्टेलेगमाइट के लिए भी है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो हम सारी डिस्कशन कर रहे हैं तो ये एक या दो दिन में ये प्रोसेस नहीं होता, इसको हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लगते हैं इनको बनने में। ठीक है, तो जब ये स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रो करती हैं तो एक स्टेज ऐसे आता है कि ये दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को फिर हम पिलर्स कहते हैं या कॉलम्स। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती चलूं कि हर स्टेलेक्टाइट के नीचे स्टेलेगमाइट नहीं होता, या हम ये भी कह सकते
सकते हैं कि हर स्टेलेगमाइट के लिए ऊपर स्टेलेक्टाइट नहीं होता, ठीक है। और एक स्टेलेक्टाइट या स्टेलेगमाइट के एलोंगेशन की वजह से भी पिलर्स या कॉलम्स बन सकते हैं जब वो केव के सीलिंग या फ्लोर तक पहुंचते हैं। ये जो डिपोजिशन होती है फ्लोर के ऊपर या सीलिंग के ऊपर, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो बहुत ही जरूरी है, और इसके बगैर स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेगमाइट्स नहीं बनते। जो रेन वाटर है वो इजीली परकुलेट हो इनसाइड द केव। सेकंड इज एडिक्वेट एयर स्पेस इन द केव ताकि एवापोरेशन में आसानी हो। तो यहाँ तक हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें।